ये बात तो तुम समझ ही गए होगे कि एमपीसी वो रेशियो है जिसको देख के ये समझ में आता है कि कोई भी देश की एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी कि कम। अगर एमपीसी बहुत ज़्यादा चल रहा है और एपीसी भी ज़्यादा चल रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भाई देश में लोग खर्चा करने में बिलीव करते हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एग्रीगेट डिमांड काफ़ी हाई रहेगा। लेकिन इसका एक और पहलू भी है विच इज़ प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कोई भी इनकम के दो यूसेजेस होते हैं, या तो वो कंज्यूम होती है या वो सेव होती है। तो अगर कंजम्पशन टेंडेंसी को समझने के लिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कॉन्सेप्ट है तो सेविंग टेंडेंसी को समझने के लिए प्रोपेंसिटी टू सेव का कॉन्सेप्ट है, राइट? आज की वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी का दूसरा टाइप प्रोपेंसिटी टू सेव के टाइप्स और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th एंड लाइक यू नो ये चल रहा है चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो गोइंग बैक टू द डेफिनेशन, प्रोपेंसिटी टू सेव का क्या मतलब है? प्रोपेंसिटी मतलब टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब देश में सेविंग की तरफ टेंडेंसी क्या है। डू पीपल लाइक टू सेव मोर और डू दे लाइक टू कंज्यूम मोर एज एन इकोनॉमी? अब देखो ये ना इंडिविजुअल नहीं है, इकोनॉमी का कल्चर है। तो जो एशियन इकोनॉमीज हैं, खासकर हमारी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी, वी आर एन इकोनॉमी वेयर सेविंग इज पार्ट ऑफ कल्चर, है ना? है कि नहीं? बच्चों को भी सिखाया जाता है पिगी बैंक रखो, कंजकों को, बाय द वे हैप्पी नवरात्रि, कंजकों को सिखाया जाता है जो पैसे मिल रहे हैं जोड़ लो, सारे मत तोड़ाओ, बैंक अकाउंट्स स्टूडेंट अकाउंट्स खुलते हैं, घर वाले बचपन से ही अकाउंट्स में पैसा डालते हैं। सो वी गाइज हैव अ टेंडेंसी टू सेव, ऑल दो इन द लास्ट 20-30 ईयर्स हमारा एमपीसी बहुत बड़ा है। मतलब आज से 30 साल पहले जो लोग खर्चा करते थे वर्सेस जो तुम और मैं खर्चा करते हैं, हमारी जनरेशन्स, सो वी गाइज आर वन जनरेशन अपार्ट, बहुत लेवल बदल गया है खर्चे का फॉर श्योर। लेकिन फिर भी सेविंग का सीन तो है ही, एवरी वन वॉन्ट्स टू सेव सम सॉर्ट ऑफ मनी फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स एंड एक्स वाई जेड वॉट एवर। तो एमपीएस बताएगा कि देश की टेंडेंसी क्या है एज फार एज सेविंग इज कंसर्न। ओके, इसके भी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। दूसरा टाइप है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज सिमिलर टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम ले रहे थे, फॉर्मूला था टोटल कंजम्पशन बाय टोटल इनकम। यहाँ फॉर्मूला है टोटल सेविंग बाय टोटल इनकम, यानी एस बाय वाई, वेयर एस डिनोट्स टोटल सेविंग और वाई डिनोट्स टोटल इनकम। ठीक, तो यानी अगेन एपीएस और एमपीएस की वैल्यू भी 0 to 1 के बीच में होती है। तो अगर एपीएस की वैल्यू आती है समथिंग लाइक अ 0.5, तो मतलब इकोनॉमी में लोगों की आदत है कि वो 50% खर्चते हैं और 50% सेव करते हैं, है ना? और अगर एमपीएस भी 0.5 है तो मतलब जो एडिशनल कमाते हैं ना उसमें से भी 50% सेव कर देते हैं। सो एपीएस इज गोइंग टू टॉक अबाउट टोटल सेविंग टोटल इनकम। ठीक, एमपीएस ऑन दी अदर हैंड किसके बारे में बात करेगा? बिल्कुल ठीक वही लॉजिक जैसे हमने एमपीसी में लॉजिक यूज किया था कि यार जो भी एडिशनल इनकम देश हर साल कमाता है, सो एवरी ईयर, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनुअल कॉन्सेप्ट है, राइट? तो हर साल जो एडिशनल इनकम कमाई जा रही है उसका कितना प्रतिशत, वट परसेंटेज ऑफ दैट हैज बीन सेव्ड इन द इकोनॉमी, कितना सेव करते हैं? सो एमपीसी की वैल्यू अगर 0.8 आती है, इट सिंपली मीन्स दैट पीपल इन द कंट्री हैव अ टेंडेंसी टू सेव 80% ऑफ एनी एडिशनल इनकम दैट दे अर्न। कुछ भी एडिशनल अर्न करते हैं इन अ ईयर, देश कुछ नया कुछ एडिशनल अर्न करता है तो उसमें से 80% वो सेव करता है, तो एमपीएस वो डिनोट करता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? ओके ग्रेट, अब समझते हैं कि क्या एमपीएस, इनको पहले टेबल से समझ लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू टेबल। सो मैंने इस बार बिकॉज आई डेंट हैव मच स्पेस तो मैंने एक ही टेबल में दोनों दिखा दिए हैं, मैं समझा रही हूँ कैसे। सो फर्स्ट कॉलम, आई डेंट हैव स्पेस तो मैंने एमपीएस यहाँ बनाया। फर्स्ट कॉलम आपका इनकम का कॉलम है जो हमेशा आप जीरो से शुरू करेंगे बिकॉज हम इनकम के कर्व को इंडिकेट करते हैं कि वो जीरो हो सकती है, इनकम कैन बी जीरो, सो देयरफॉर इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। तो टेबल में इनकम इज 0, 100, 200, 300, 400। अगला सेविंग, अब देखो भाई तुम्हें पता ही है कि जब इनकम जीरो होती है तो सेविंग नेगेटिव एक्सेस से शुरू होती है, डिस सेविंग्स होती है इनिशियली, होती है ना? क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं इनकम जब जीरो होती है
तब भी कोई ना कोई कंजम्पशन होती है, तब भी हमें कुछ ना कुछ अपने आप को सस्टेन करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। अब वो खर्चे के लिए पैसे तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी सेविंग्स होती हैं उनमें से पैसे विड्रॉ करते हैं, यानी हम डिस सेविंग्स करते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम नेगेटिव सेविंग करते हैं। इसीलिए जीरो के बगल में सेविंग माइनस 50 दिखाया हुआ है। माइनस इज इंडिकेटिव ऑफ निकाल लीजिए आपने पैसे, आपको 50 रुपये का खर्चा करना था, इनकम जीरो है, तो आपने क्या करा, 50 रुपये बैंक से निकाल लिए, डिस सेविंग कर ली, तो माइनस 50। ठीक, आगे नाउ लुक एट दिस, जब इनकम, अगर मैं ये एक बार के लिए ड्रॉ करूँ, ये रहा तुम्हारा इनकम का कर्व, है ना, इनकम का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ओरिजिन से शुरू करता है, इंडिकेटिंग व्हाट, जीरो लेवल ऑफ इनकम, और कंजम्पशन का कर्व थोड़ा पॉजिटिव से शुरू करता है, ये रहा कंजम्पशन कर्व, और ये बढ़ता चला जाता है। अब जहाँ पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं, वहाँ पे हम ये बात पढ़ चुके हैं कि सेविंग भी ज़ीरो होती है, होती है ना, लॉजिक है, डायग्राम का रट्टा नहीं है यार, जितना कमाया अगर उतना उड़ा दिया तो सेविंग तो ज़ीरो होगी। तो यानी पहले तुम्हारी सेविंग होती है डिस सेविंग, आप पैसे निकाल रहे हो, ठीक है, फिर आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ी, तो इतनी बढ़ गई कि आपकी सेविंग हो गई ज़ीरो, मतलब चलो कम से कम पैसे विड्रॉ नहीं कर रहे हो, उतना कमा रहे हो जितना खर्च रहे हो, है ना, तो तुमने पैसे नहीं विड्रॉ करे, तो सेविंग कितनी हुई, ज़ीरो, यही ज़ीरो मेरे टेबल में नेक्स्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इनिशियली जब आपकी इनकम ज़ीरो है तो कंजम्पशन करने के लिए आपको डिस सेविंग करनी पड़ रही है, तो माइनस 50, फिर जब इनकम 100 हो गई तो मेरा कंजम्पशन भी 100 हो गया, तो शुक्र है भगवान का, पैसे विड्रॉ नहीं करने पड़ रहे, लेकिन सेविंग इज ज़ीरो। ठीक, फिर ऑब्वियसली उसके बाद कर्व भी दिख रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ती, तो पीपल हैव अ टेंडेंसी टू सेव, तो वो सेविंग शुरू कर देते हैं, और इसीलिए इसके बाद तुम देख रहे हो सेविंग पॉजिटिव चल रही है, 100, 150, 200, क्लियर, फंडा क्लियर। तो वाई का कॉलम बनाया, सेविंग्स का कॉलम बनाया, अब APS निकाल लो, APS का फॉर्मूला क्या है, S/Y, ये रहा तुम्हारा APS मेरे टेबल में, APS इज S/Y, पहला वाला है माइनस 50/0, एंड आई सेड दिस पर्टिकुलरली इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, एनीथिंग बाय ज़ीरो, पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करता, एनीथिंग बाय ज़ीरो इज इन्फिनिटी, तो मैंने यहाँ इन्फिनिटी मार्क कर दिया। नेक्स्ट APS इज 0/100, 0/100 इज ज़ीरो, एनीथिंग 0/anything इज ज़ीरो, तो ज़ीरो लगा दिया, फिर 100/200, 0.25, 150/300, 0.33, 200/400, 0.37। अब यहाँ पे नोटिस करो, APS बढ़ता जा रहा है, कैन यू सी दैट, 0, 0.25, 0.33, 0.37, और पिछली वीडियो में APC कम होता जा रहा था, बड़ा क्लियर कॉन्ट्रास्ट है, ये लॉजिक है, लॉजिक हमने पिछली बार डिस्कस किया था, जैसे जैसे लोग अमीर होते जाते हैं उनका कंजम्पशन उसी रेट पे नहीं बढ़ता, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्यों, ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मैं बहुत अमीर हो गई हूँ तो दुनिया के, अगर मुझे 4 कपड़ों की ज़रूरत है तो मैं एक ही समय पर 10 पहनूंगी, या अगर मुझे एक पिज़्ज़ा खाना है तो मैं 10 खाऊंगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, नहीं, सो आई एम नॉट गोइंग टू इंक्रीज माई कंजम्पशन इन सिंक विद माई इनकम, लेकिन हाँ जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भाई साहब तो स्टैग्नेंट हो जाएंगे, बढ़ेगा क्या, सेविंग, इसीलिए तुम्हारी APC इनकम बढ़ने के साथ घटती है और APS इनकम बढ़ने के साथ बढ़ता चला जाता है, बिकॉज द मोर द इकोनॉमी गेट्स रिचर, द मोर दे स्टार्ट अर्निंग मोर इनकम, दे विल स्टार्ट सेविंग मोर, ज्यादा पैसे बचाएंगे, क्लियर है फंडा, क्लियर, ओके। अब इसी टेबल में अगर हम MPS की वैल्यू निकालना चाहें, MPS क्या बोला मैंने, जो भी इकोनॉमी ने एक साल में एडिशनल इनकम कमाई, उस एडिशनल इनकम में से, इट्स ओनली अबाउट एडिशनल इनकम, डोंट फॉरगेट, उस एडिशनल इनकम में से कितना सेव किया, दैट इज MPS। MPS का फॉर्मूला है चेंज ऑफ S बाय चेंज ऑफ Y। तो इसी टेबल को देखते हुए, इसी में हम Y कॉलम है हमारे पास, सेविंग्स का कॉलम है, हम Y कॉलम से निकालेंगे चेंज ऑफ Y, मतलब पहले क्या थी और अब क्या है, और चेंज ऑफ S। तो देखो पहला चेंज इज गोइंग टू बी निल, पहला चेंज हमेशा इसलिए निल होता है बिकॉज चेंज के लिए एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे चाहिए, ऊपर वाला तो है ही नहीं तो निकालूं कैसे, तो निल, समझ में आ गया, सो निल। अगला चेंज ऑफ वाई कैसे आएगा, 0 to 100 में कितना चेंज हुआ, 100, 100 to 200 में कितना चेंज हुआ, 100, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक, सेम तरीके से चेंज ऑफ एस, पहले जी माइनस 50 थी, निकाल नहीं सकते, निल कर दी, तो 50 माइनस 50 टू जीरो,
कितने का चेंज है, प्लस 50 का, माइनस 50 से जीरो का बनेगा, मैथमेटिक्स सीधी यार, माइनस 50 प्लस 50 जीरो, तो प्लस 50 का चेंज है, जीरो टू 100, ओ सॉरी, उसके बाद ये 50 का चेंज है, फिर 100 टू 150, 50 का चेंज है, फिर 150 टू 200, फिर से 50 का चेंज है, ओके सॉरी ये ऊपर नीचे हो गए, आई विल जस्ट पुट देम हियर, ये 50 का चेंज, उसके बाद ये तो 50 का नहीं, ये 50 का चेंज, दिस शुड बी 50 गाइस, आई एम सॉरी, दिस शुड बी 50 एंड देन 100 एंड देन 150, ओके 50 का चेंज है ये सारा. एंड फाइनली योर एम पी एस कैसे कैलकुलेट होगी, सीधा एम पी एस कैसे कैलकुलेट हो रही है, चेंज ऑफ एस बाई चेंज ऑफ वाई, ये सारा 50-50 का चेंज है, 50 टू 0 50 का चेंज, 0 टू 50 50 का चेंज, 50 टू 100 50 का चेंज, 100 टू 150 50 का चेंज, ओके. फाइनली एम पी एस कैसे निकलेगी, चेंज ऑफ एस बाई चेंज ऑफ वाई, हमने चेंज ऑफ एस बाई चेंज ऑफ वाई करा, 50 बाई 100 कॉन्स्टेंट चलेगी एम पी एस एट 0.5 0.5, आ भी क्लियर, समझ में आ गया, शॉर्ट रन में एम पी एस एम पी सी कॉन्स्टेंट चलते हैं, आपको ये बात दिमाग में रखनी है, ऑल गुड क्लियर, ओके. नाउ लेट्स कम टू द डायग्राम, जो एम पी एस की डायग्राम है उसको बनाते हैं एक बार, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाई थी, जस्ट अ सेकेंड, ओके. ये रहा तुम्हारा इनकम, दिस इज सेविंग्स, सेविंग्स में नेगेटिव एक्सेस मार्क करूंगी क्योंकि हम नेगेटिव एक्सेस से शुरू करते हैं. सो टेक्निकली अगर हम पिछली वीडियो को देखें, हमने मतलब पिछली डायग्राम जो मैंने अभी बनाई थी, तो उसमें मैंने सेविंग कर्व ये बना रखा है, यहाँ एस इज इक्वल टू जीरो, यहाँ डिस सेविंग्स है माइनस है, और यहाँ पॉजिटिव सेविंग्स है कि नहीं, यही डायग्राम है. अब एम पी एस कैसे बन रहा है, हाउ इज एम पी एस, ए पी एस कैसे बन रहा है, हर पॉइंट कैसे आएगा, एस और वाई के रिलेशन से, तो मतलब ये पॉइंट कैसे आ रहा है, यहाँ पर एस कितना वाई कितना उतना ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट कितना आ रहा है, एस बाय वाई अगेन, यहाँ पे पॉइंट कैसे आ रहा है, एस बाय वाई अगेन, ऐसे ऐसे पॉइंट्स बना के हम ए पी एस बना रहे हैं. बट जब एम पी एस बनाना है, डायग्राम देखो बच्चों, ए पी एस और एम पी एस का सेम है, इट्स द सेम डायग्राम फॉर ए पी एस एंड एम पी एस, डायग्राम आप एग्जाम में बस यूं बनाएंगे, खत्म बात, आप इसके आगे कुछ नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ आप उसको लेबल कर लेंगे, ठीक है, देयर इज नथिंग टू बी डन. बट समझने वाली बात यह है कि एम पी एस कैसे डिराइव हो रहा है. देखो तो मान लो यहाँ पर एक तो मेरा मार्क ये 10 एंड दिस इज माइनस 10, ओके, यहाँ पे सेविंग जीरो है, तो पहला पॉइंट, जो पहला पॉइंट हमारे पास आया ये कैसे आया, दिस इज चेंज इन सेविंग एंड दिस इज चेंज इन इनकम. तो शुरुआत का पहला पॉइंट यहाँ पे था, फिर अगला पॉइंट ये कैसे आया, इतना इनकम में चेंज हुआ, इतना सॉरी सेविंग में, इतना सेविंग में चेंज हुआ, इतना पार्ट, लेट मी ड्रॉ अ क्लियरर डायग्राम, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, मैं एक बार के लिए ये टेबल ड्रॉप कर देती हूँ एंड आई विल ड्रॉ इट हियर ताकि तुम लोगों को आसानी रहे. ये देखो, लेट्स सी दिस, ओके, ये और ये बना सेविंग कर्व, ओके. अब एम पी सी कैसे आया, पहला पॉइंट ये था, तो ये पॉइंट से लेट्स से यहाँ इस वाले पॉइंट पे जाने के लिए इतना चेंज इनकम में, चेंज ऑफ एस वाई, सॉरी दिस इज इनकम एक्सेस, क्योंकि ये इनकम का एक्सेस है, तो यहाँ से यहाँ जाने में इतना चेंज इनकम का हुआ और इतना चेंज सेविंग का हुआ, दिस इज चेंज ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज चेंज ऑफ एस हियर, समझ में आ रहा है, ये देखो, ठीक है, दिस इज चेंज ऑफ एस इतना एंड दिस इज चेंज ऑफ वाई, क्लियर. सो अगर ये चेंज ऑफ एस है और ये चेंज ऑफ वाई है, यानी हमको ये पॉइंट कैसे मिला, चेंज ऑफ एस बाय चेंज ऑफ वाई. इसी तरीके से जो अगला पॉइंट, मान लो हम ये लेते हैं, लेट्स कॉल दिस नेक्स्ट पॉइंट बी, अब ये कैसे मिला, ये y का एक्सेस है, तो ये सारा इज चेंज ऑफ y, ठीक है, और ये कैसे मिला, दिस इज सेविंग एक्सेस, तो ये कैसे मिला, दिस इज चेंज ऑफ s. सो अगेन पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट a, पॉइंट a कैसे मिला, चेंज ऑफ y, सॉरी चेंज ऑफ s बाय चेंज ऑफ y. पॉइंट b कैसे मिला, अगेन चेंज ऑफ y बाय चेंज ऑफ s. ऐसे हमको अपना एम पी एस का डायग्राम मिला. सो लाइक आई सेड, एग्जामिनेशन में चाहे ए पी एस का आए चाहे एम पी एस का आए, यू डोंट हैव टू बॉदर, डोंट वरी, डायग्राम बिल्कुल यही बननी है,
बट ये समझाने वाली बात है कि डायग्राम ये बन कैसे रही है, हाउ आर वी क्रिएटिंग दिस डायग्राम. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट कि क्या APS, MPS, 0, ग्रेटर देन 1 ये सब कुछ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते. लेट्स डिस्कस दिस. सबसे पहले APS डिस्कस करेंगे. APS 0 हो सकता है. ओके, तो अगर APS को 0 होना है तो S शुड बी 0 तभी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, S बाय Y. तो अगर S 0 होगी तो APS भी 0 होगा. तो क्लियरली S तो 0 होती है ना यार, जब कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम S 0 हो जाती है, टोटल सेविंग 0 हो जाती है, तो APS 0 हो सकता है. ओके, नेक्स्ट APS ग्रेटर देन 1 हो सकता है. सो माई क्वेश्चन टू यू, तुम अपनी इनकम से ज़्यादा सेव कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि APS ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब S इज ग्रेटर देन Y, तभी ये ग्रेटर देन 1 आएगा ना. वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि सेविंग इनकम से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकती, तो APS ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट APS इक्वल टू 1, भाई जितना कमा रहे हो टोटल, एडिशनल नहीं, टोटल जितना कमा रहे हो उतना ही बैंक में डाल दिया तो खाओगे क्या? सो योर टोटल इनकम कैन नेवर बी इक्वल टू योर टोटल सेविंग्स, इसीलिए S cannot be equal to Y and therefore APS cannot be 1. I hope you are clear. So let's say you are earning income of 50,000 और उतना ही तुमने सेव कर दिया, तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी APS की 1. बट लॉजिकली भाई जितना कमाएंगे और उतना ही बैंक में डाल दिया तो खाएंगे क्या? तो APS 1 नहीं हो सकता. APS लेस देन 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और होता है. क्यों? बिकॉज हम जितना कमाते हैं उसमें से थोड़ा सेव करते हैं. सो सेविंग लेस देन इनकम होती है, विच इज पॉसिबिलिटी, इसीलिए APS इज लेस देन 1. क्या APS नेगेटिव हो सकता है? APS के नेगेटिव आने के लिए S शुड बी नेगेटिव, और S तो नेगेटिव होता ही है. शुरुआत में जब इनकम 0 है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, तो उस कंजम्पशन को फाइनेंस करने के लिए हम डिस सेविंग्स कर रहे हैं, यानी नेगेटिव सेविंग्स कर रहे हैं, तो S की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसीलिए APS कैन ऑल्सो बी नेगेटिव. यहां तक क्लियर? ओके, ग्रेट. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन. MPS, अब MPS का फॉर्मूला, चेंज ऑफ S बाय चेंज ऑफ Y. क्या MPS 0 हो सकता है? अगर इसका क्या मतलब है, तुमने लेट्स से एडिशनल तुमने 50 कमाए, 100 कमाए, सॉरी, हाँ तुमने 50 कमाए और 50 ही सेव कर दिए, सॉरी 50 सेव नहीं करे, 50 कंज्यूम कर लिए. सो लेट्स से यू अर्नड एडिशनल 50, आपने इस साल एडिशनल 50 कमाए, द कंट्री अर्नड एडिशनल 50 करोड़, और वो सारे एडिशनल 50 करोड़ खर्च दिए गए. तो अगर खर्च देंगे सारे पैसे, तो चेंज ऑफ S जो है वो 0 आ जाएगा, और उस हिसाब से MPS 0 आ सकता है. फाइन, नेक्स्ट MPS ग्रेटर देन 1 हो सकता है? क्या चेंज ऑफ S चेंज ऑफ Y से ग्रेटर हो सकता है? नहीं हो सकता. एडिशनल इनकम से ज्यादा एडिशनल सेविंग कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, इसलिए MPS ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता. नेक्स्ट MPS इक्वल टू 1, बिल्कुल हो सकता है, अगर जितना कमाया उतना ही सेव कर दिया. एडिशनल की बात है ना ये, यू हैव टू कीप इन माइंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बेस इनकम, वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशनल जो भी कमाया. तो जो एडिशनल कमाया, मैंने एक महीना एडिशनल 30,000 कमाया, अगर वो 30,000 मैं बैंक अकाउंट में डाल दूं, पॉसिबल है, इट्स अ पॉसिबिलिटी, आई कैन डू दैट. क्यों? क्योंकि मान लो मेरी बेस सैलरी 1,00,000 रुपये और एक महीने मैंने 30,000 एक्स्ट्रा कमाया, मैं उस 1,00,000 की बात नहीं कर रही, मैं इस एडिशनल 30,000 की बात कर रही हूँ. तो ये एडिशनल 30,000 अगर मैं सारा उठा के बैंक में डाल दूं, तो चेंज ऑफ सेविंग और चेंज ऑफ इनकम इक्वल हो गया ना. 30,000 एडिशनल कमाया था, 30,000 बैंक में डाल दिया, तो चेंज ऑफ S इज इक्वल टू चेंज ऑफ Y, एंड दैट इज Y MPS कैन बी 1. ठीक, नेक्स्ट MPS लेस देन 1 होती ही है, जितना एडिशनल कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा सेव करते हैं, तो लेस देन 1 तो होती है. APS, MPS, APC, MPC सब लेस देन 1 होते हैं. ओके, नेगेटिव MPS नहीं हो सकता, बिकॉज चेंज ऑफ S नेगेटिव में नहीं आएगा, बिकॉज देयर विल बी नो नेगेटिव चेंज इन सेविंग. ओके, आर वी क्लियर? सो विद दिस वी क्लोज प्रोपेंसिटी का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर बहुत MCQs, बहुत क्वेश्चंस होते हैं. आई होप द टॉपिक इज क्लियर. अगर आप लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. टिल देन टेक केयर.